हरिनंदन सिंह पटेल। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि 600 किसान बड़ा बाईपास प्रकरण में जिन्हों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, वो मुआवजा के संबंध में कई अनेकों आश्वासन देने पर जिला प्रशासन के बावजूद भी अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिससे तमाम पीड़ित किसान कई 30 किसान से अधिक तो मर गए। मुआवजा को पाते पाते कितने वर्ष और लग जाएंगे, कुछ इसका समय सीमा तय नहीं हुई है। लिहाजा हम लोगों ने फैसला लिया है कि 17 जुलाई को उसी ज़मीन पर जो अवैध निर्माण हुआ है बड़े बाईपास का, उसके ऊपर हम 11 बजे बैठ जाएंगे सारे पीड़ित परिवार सहित। और हम प्रशासन से कहते हैं कि ये जो वाहन गुजर रहे हैं रोड के ऊपर से, उन सारे वाहनों को हमारे ऊपर से गुजार दिया जाए। अगर मुआवजा नहीं देना चाहती सरकार और जिला प्रशासन, तो हम किसानों को मार दिया जाए या हम सबको जेल में डाल दिया जाए, कम से कम कुछ तो हो। इतने दुखी हो गए हैं, कितने किसानों की बेटियां शादी को हैं, किसी का घर बनाने को है, कोई कर्ज से दबा हुआ है, लेकिन मामला निपटने का नाम ही नहीं लेता। आज कमिश्नर साहब के आप जब गए थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम भी इसमें लगते हैं, कार्रवाई जल्द होगी, ये कहा है। उस दिन डीएम साहब ने कहा था कि हम डीएम साहब ने 10 दिन का टाइम दिया था, क्या रहा उसमें? डीएम साहब ने 2 बार हमारे एसएलओ साहब को लखनऊ भेजा, लेकिन फिर भी दिशा निर्देश अब तक कोई नहीं आया। आप लोगों का जो लेटने का मामला था बड़े बाईपास पे लेट के अफसर करेंगे उसका जी, वो 17 जुलाई तय कर दी गई है, फिर से 17 जुलाई। भाई आश्वासन हमने 10 दिन के लिए समय दिया था, 1 महीना बीत गया, तो 1 महीना बीतने पर अभी तक कोई शासन से दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है, जिससे डीएम साहब कुछ हमारा मामला निपटा सकें। बिना दिशा निर्देश के मामला निपटेगा नहीं, तो दिशा निर्देश वहाँ से वो भेजेंगे नहीं, तो हमारे सामने मरने के अलावा कोई विकल्प बचा ही कहाँ है। 17 जुलाई का फिर क्या प्रोग्राम है? वहीं उसी रोड पर बैठेंगे सब लोग। कितने लोग? पूरे 600 किसान परिवार से हैं जी। बता दो थोड़ा क्या परेशानी? बड़ा बाईपास मामले में 600 किसान जिनको मुआवजा नहीं मिला अब तक, 5-10 वर्षों पर कई बार जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक स्थिति